हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स बैग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ DIY बॉडी बटर विच इज परफेक्ट फॉर दिस विंटर और बहुत ही अच्छे से आपकी ये स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, नरिशमेंट देगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो इसे घर में क्यों बनाना है, मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं सब बॉडी बटर, बॉडी लोशन, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जब हम घर पर बनाते हैं तो इट इज गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव, प्लस जो हम इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं। सो इसीलिए घर पर बनाए गए और बनाना बहुत ही आसान है, प्लस मजा आएगा आपको बनाते हुए। सो यू कैन इवन गिफ्ट टू समवन, क्योंकि होममेड है तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो चलिए बनाते हैं ये DIY बॉडी बटर। उसके लिए आपको लेना है शिया बटर। शिया बटर लिया है मैंने अराउंड 1 कप। शिया बटर आपकी स्किन को डीप नरिशमेंट देता है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। स्पेशली विंटर्स में जो एड़ियों का हाल होता है वो बहुत ही बुरा होता है, एड़िया फटती है, जलने लगती है, तो ये सारी चीजें शिया बटर रिपेयर करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया है स्वीट आमंड ऑयल, ये अराउंड 15 ग्राम है और इट इज अ कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम सबसे पहले मेल्ट करेंगे। आप चाहो तो डबल बॉयलर से भी कर सकते हो, वो ज्यादा बेस्ट होता है, बट मैं यहाँ पर चम्मच चलाते हुए कर रही हूँ क्योंकि जस्ट मेल्ट करना है, इसे बॉइल करना नहीं है, धुआं नहीं आना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको इसे चम्मच चलाते हुए मेल्ट करना है। ऐसे ही ये मेल्ट हो जाता है तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है एंड देन दिस इज हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें डाल रही हूँ इसे कहते हैं पिंक पिगमेंट। ये कॉस्मेटिक ग्रेड का कलर है विच इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। आप इसे स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके पास शॉर्ली अवेलेबल नहीं होगा, ये कॉस्मेटिक स्टोर पर मिलता है जहाँ पर कॉस्मेटिक्स के रॉ मटेरियल मिलते हैं। बिल्कुल हल्का सा कलर मैंने इसमें ऐड किया है और इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी और उसके बाद इसे फ्रिज में रखूंगी फॉर अराउंड 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है एंड यू कैन सी हाउ इट लुक्स, जम गया है ये बिल्कुल। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसे बीटर से बीट करूंगी ताकि इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बटरी स्मूथ हो जाए, ताकि ये अप्लाई करने में बहुत ही ईजी हो जाए और अच्छे से ये स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाए। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कुछ एसेंशियल ऑयल्स। यहाँ मेरे पास है लैवेंडर एसेंशियल ऑयल जो मैंने अराउंड 1/2 टीस्पून ऐड किया है एंड देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्किन के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए इन दोनों को मैंने ऐड किया है। प्लस इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ही अच्छी आती है, स्पेशली जब इन्हें कंबाइन करते हैं तब। तो बस इसे भी ऐड करके हम इसे और बीट करेंगे ताकि इसका जो टेक्स्चर है वो स्मूथ हो जाए। नाउ यू कैन सी इसका जो टेक्स्चर है वो कितना बटरी स्मूथ हो गया है, बहुत ही अच्छे से स्किन पर ये अप्लाई भी हो रहा है, बिल्कुल क्रीम की कंसिस्टेंसी में ये आ गया है। तो अब इसे आप अपने कोई भी कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हो। मैं इसे कंटेनर में थोड़ा सा नीटनेस के साथ ऐड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया है, पाइपिंग बैग में ये नोजल लगा लिया है, स्टार शेप नोजल, और उसमें मैं ये पूरा जो बॉडी बटर है वो डालूंगी और फिर इसे मैं कंटेनर में स्टोर करूंगी। इससे बहुत ही अच्छी डिजाइन आती है विच लुक्स गुड और देखने में बहुत अच्छा लगता है, प्लस इट लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल के लगता है कि इट इज प्रोफेशनली मेड। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ये जस्ट एक क्रिएटिविटी करने मजा आती है, इट्स जस्ट अ फन पार्ट। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्पून से भी इसमें भर सकते हो, काम तो वही करने वाला है। तो डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो डू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई टॉपिक के साथ।